हमारे पिछले भाग में हमने दिखाया कि पारडीप प्रभा क्रमांक 6 में क्या क्या कार्य किए गए हैं, जो कि दीपक वाड़ी भस्मे जी ने पूरी तरीके से हमें उसकी जानकारी दी, जो कि वहाँ के नगर सेवक है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और आज के भाग में हम मिलने जा रहे हैं यशवंत जी रांगडाले से, और उनसे जानेंगे कि क्या पारडीप प्रभाग 6 के कार्य पूरे हुए हैं या कुछ कुछ कार्य अभी भी होने बाकी है। तो आइए चलते हैं। पिछले भाग में हमने आपको पारडी प्रभाग 6 का पहला पहलू दिखाया, जो कि नगर सेवक द्वारा किए गए कार्यों को प्रतीत करता है। लेकिन आज हम प्रभाग 6 का एक दूसरा पहलू भी जानेंगे, जहां प्रभाग के कुछ जगहों पर आज भी कार्य नहीं किए गए हैं, और उसी के चलते हम आज मुलाकात करेंगे इसी प्रभाग के समाज सेवक यशवंत उर्फ गुड्डू रहांगडाले जी से, और जानेंगे कि आखिर क्या है इस प्रभाग का दूसरा पहलू। तो अब हम आ पहुँचे हैं उसी प्रभाग के जो विपक्ष है, जिनका नाम इस एरिया में काफ़ी लिया जाता है और काफ़ी जाना जाता है, श्री गुड्डू रहांगडाले जी। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस प्रभाग की क्या स्थिति है उन्हीं के नज़रिए से। मैं सबसे पहले तो मेरे प्रभाग की जनता को नमस्कार करता हूँ। प्रभाग हमारा पुराना 25 था, और अभी नागपुर महानगर पालिका ने इस क्षेत्र को प्रभाग 6 घोषित किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि पिछले 30 से 35 साल से ये प्रभाग जो है पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र का जो विकास इस 30 से 35 सालों में होना था, वो विकास कहीं पर भी नहीं दिखता है। आज ये परिसर 35 साल होने के बावजूद इस प्रभाग में जो बेसिक समस्या है कि इस क्षेत्र में आज भी 90% क्षेत्र में कहीं पे भी जो है गटर लाइन की, सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। आज भी लोग जो है सेफ्टी टैंक के भरोसे अपना काम चला रहे हैं। तो ये समस्या यहाँ काफ़ी जटिल है कि अब तक जो है 35 साल होने के बावजूद इस भवानी नगर और इस नवीन नगर श्याम नगर का जो विकास होना था, वो विकास आप समझ सकते हैं कि 90%, बहुत जवाबदारी से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 90% परिसर में पूरे हमारे यहाँ सीवर लाइन, जो गटर लाइन की व्यवस्था नहीं है। लोग आज भी सेफ्टी टैंक के भरोसे अपना काम चला रहे हैं, और सेफ्टी टैंक जो है जब भर जाते हैं तो इस क्षेत्र में और गंदगी का आलम है। आज यहाँ वेस्टेज वाटर लाइन की समस्या जो है 70% वो नहीं है। आज भी जो है लोग अपने सेफ्टी टैंक पे धोने का, कपड़े धोने का, ये पूरा पानी जो है सेफ्टी टैंक में ही डालते हैं, या तो फिर सड़कों पे वो पानी बहता है। आजू बाजू के वाद विवाद होते हैं। तो काफ़ी सारी समस्या इस प्रभाग 6 में आज भी बरकरार है, और जो विकास इस क्षेत्र में हमारे नगर सेवकों ने करना था, वो विकास इस क्षेत्र में नहीं किया है। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे नागपुर सुधार प्रन्यास के काफ़ी अनधिकृत लेआउट थे। कई लोगों ने जो है विकास शुल्क जो है इस क्षेत्र में भरा हुआ है। बावजूद इसके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने नागपुर सुधार प्रन्यास के नाम से यहाँ विकास जो करना था वो नहीं किया है। और इस क्षेत्र के जो नगर सेवक है, यहाँ भाजपा के 3-3 नगर सेवक है, 3 बार के विधायक हमारे माननीय कृष्णा जी खोपड़े है, 2 बार के लोकसभा के सांसद हमारे गडकरी जी है, 15 साल से नागपुर महानगर पालिका में सत्ता भारतीय जनता की पार्टी की है। उसके बावजूद इस पूर्व नागपुर का, खास करके हमारा ये पारडी भांडेवाड़ी क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं तो आप लोगों को यहाँ तक बोलना चाहूँगा कि आप विरोधक हूँ इसलिए विरोध की बातें कर रहा हूँ, विकास के मामले में ऐसा नहीं है। आप न नगर सेवक के बात पे यकीन करें, न मेरे बात पे यकीन करें। आप हमारे प्रभाग 6 का एक जमीन पे चलकर जो है यहाँ का दौरा करें, और यहाँ की वस्तु स्थिति, सत्य परिस्थिति है, लोगों तक पहुँचाइए। आपको विकास दिखेगा कि यहाँ सही में विकास हुआ है क्या। आज मुझे शर्म आती है कि इस मेट्रो सिटी में, इस महाराष्ट्र के उपराजधानी में, इस क्षेत्र में जो विकास होना था वो कहीं विकास नहीं दिखता। इससे अच्छा विकास तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे सीमेंट की अच्छी अच्छी सड़कें हैं,
स्ट्रीट लाइट है, पानी की व्यवस्था है, ये सारी सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। आज हमारा नागपुर महानगर पालिका जैसी एक बड़ी महानगर पालिका होने के बावजूद इस क्षेत्र का विकास नहीं है। आज ये अमृत योजना की बात करते हैं कि हमने टैंकर मुक्त प्रभाग बनाया है, तो मुझे ये बताइए कि आपके घरों में नल में कितना देर पानी आता है? मुश्किल से आधा एक घंटा पानी आता है, वो भी जो है पानी एकदम मैला पानी आता है। कहाँ गई 24/7 की महानगर पालिका की जो है वो योजना, अमृत योजना? भाई इन लोगों ने पानी की व्यवस्था जो कुछ भागों में पहुंचाई है वो भी व्यवस्था जो है 24/7 के नाम पे जो है बहुत बड़ा एक दाग है। कहने का मतलब यो है कि यहाँ जो तीन तीन भाजपा के नगर सेवक हैं वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। वे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है अपना कॉलर टाइट करते हैं, अपने आप को जो है स्टार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पे गरीब जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आज गरीब जनता के प्लाटों पर से जो है बड़े बड़े रास्ते निकाले जा रहे हैं 40 फुट 80 फुट 100 फुट के, लेकिन उस जनता को जो है प्लॉट का मुआवजा क्या मिल रहा है? अगर उसका प्लॉट अगर 1000 फुट का है तो उसे 600 फुट जगह दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? अगर उस व्यक्ति का आपके स्मार्ट सिटी के रोड में या अन्य आरक्षण में अगर 1000 फुट या 2000 फुट का अगर प्लॉट बाधित होता है, प्रभावित होता है, तो उसे उतनी ही जगह अन्य जगह पे स्थलांतरित करके देना चाहिए। लेकिन इनका 60% जमीन ये लोग दे रहे हैं। 60% मतलब अगर 1000 फुट का है तो 600 फुट देंगे, 2000 फुट का है तो 1200 फुट देंगे, तो भाई 40% जमीन का मुआवजा भी तो दे दीजिए। क्या उस व्यक्ति ने मेहनत मजदूरी अपने खून पसीने की कमाई करके जो है एक बड़े मुश्किल से प्लॉट खरीदा है, वो भी स्मार्ट सिटी के नाम पे आप लोग उसको बेघर कर रहे हो, और बेघर करने के बावजूद आप उसको 60% जमीन दे रहे हो? 40% जमीन का उसको आर्थिक मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने जो है, आज 2016 से स्मार्ट सिटी इस क्षेत्र में अमल में लाई गई है, जमीन पे लाई गई है। आज 2016 से आज 2022 हो गया और स्मार्ट सिटी का जो काम है वो मात्र 10% नहीं हो पाया है। आप लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हो, स्मार्ट सिटी में आपने कितने लोगों का जो है पुनर्वसन किया, कितने लोगों को आर्थिक मुआवजा दिलवाया, ये भी आप अपने रिकॉर्ड पे बता दीजिए। विरोध करना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई जो है मैं कहूँगा। आज जो है यहाँ तीन तीन भाजपा के नगर सेवक है, तीन बार के विधायक खोपड़े जी है, उसके बावजूद इस क्षेत्र में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था बरोबर नहीं है। इस क्षेत्र में स्कूली बच्चे, यहाँ की महिला, यहाँ की माताएं बहनों को जाने के लिए इस क्षेत्र में ऑटो वाला बस वाला आने देखता नहीं, क्योंकि यहाँ की सड़कें बस से बदतर है। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिस पर ये लोग फेल हो गए। हम मानते हैं माननीय नितिन गडकरी जी विकास पुरुष है, लेकिन माननीय गडकरी साहब के नाम से ये निकम्मे नगर सेवक यहाँ चुन के आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं जनता में पिछले कई सालों से इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाते आया हूं, और मुझे इस बार जो जनाक्रोश दिख रहा है, इन्हें इस आने वाली नागपुर महानगर पालिका में जनता सबक जरूर सिखाएंगी। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में ये नगर सेवक अपने घर में दुबके बैठे थे, और हम लोगों ने इस पार्टी के कापसी क्षेत्र में 2 महीना जो है प्रवासी मजदूरों को जो है राहत पहुँचाने का काम किया। वहाँ उन्हें जो है दिन रात खाने पीने, नहाने धोने की, उनके कपड़े, उनके लत्तों की, उनको चप्पलें तक पहनाने का काम हम लोगों ने वहाँ किया। ऐसे कई ऐसे मुसाफिर तो जो नंगे पैर चल के हमारे लंगर तक आते थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कापसी उड़ान पुल के नीचे मैं और मेरे मित्र गणेश साहू जी का एक भव्य लंगर पहले लॉकडाउन में हमने प्रवासी मजदूरों के लिए लगाया था। उस समय कोई नगर सेवक जो है इस क्षेत्र की जनता की का हालचाल पूछने के लिए नहीं आता था। कितनी एम्बुलेंस तुमने जो है उस समय जो है नागरिकों की सुविधा के लिए इस प्रभाग में लगाई? आज 15 साल से नागपुर महानगर पालिका में सत्ता आप लोगों की है। कितनी एम्बुलेंस से आपने नागरिकों को जो है बेड उपलब्ध कराने में उनकी मदद की? कई लोग अपने घरों में जो है बेड न मिलने के कारण मारे जा चुके हैं। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे दोषारोपण करते हैं। भाई जब तुम्हारे विधायक है, तुम्हारी महानगर पालिका है, महानगर पालिका जो है जन सामान्य जनता की सेवा के लिए तत्पर ये एजेंसी है, उसके बावजूद आपके महापौर ने कोई मदद नहीं की। उस समय इस नागपुर का एक सामान्य नागरिक जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतरा, और कोविड के काल में लोगों को सहायता और मदद करने का काम जो है यहाँ के नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन जो लोग सत्ता पे बैठे थे वो अपने घरों में दुबके रहे। माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े
जी को मेरा आपके माध्यम से यही बताना है कि आपको जनता ने जो है 3 बार मौका दिया, लेकिन आप जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतर पाए, और इसका भुगतान आने वाले महानगर पालिका में जनता आपको सबक सिखा के आपको हरा कर जनता बिल्कुल बदला लेगी। आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इस भांडेवाड़ी परिसर में बदनुमा दाग भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड है। पूरे नागपुर शहर का जो कचरा है हमारे इस भांडेवाड़ी परिसर में डाला जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की हम लोग यहाँ बना रहे हैं? एक तरफ बदनुमा दाग है कि डंपिंग यार्ड यहाँ है, और दूसरा आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो। हमें कोई ऐसी स्मार्ट सिटी की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए दवाखाने की आवश्यकता है। वो इस प्रभाग में आप लोग जो है पिछले 15 सालों से कुछ नहीं दे पाए, जनता को लूटने का काम आप लोग कर रहे हो। आज आप लोगों के मनमानी के कारण इस प्रभाग 6 की हालत जो है और 6 के नागरिकों की हालत बद से बदतर है। मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आप निश्चित इस प्रभाग का दौरा जरूर करें, और आप लोगों को पता चलेगा कि इस क्षेत्र में इतने सालों में आमदार खोपड़े साहब ने और उनके नगर सेवकों ने किया क्या है। आज नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को सामने देखते हुए आप लोग नागपुर सुधार प्रन्यास का जो फंड है, जो लोगों ने नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में अपना डेवलपमेंट चार्ज भरा है, वो काम NIT कर रही है। वहाँ जाके आप लोग टिकास और सब्बल लेके पहुँच जाते भूमि पूजन करने के लिए। वो नागपुर सुधार प्रन्यास के काम का आप लोग श्रेय ले रहे हैं। श्रेय लेना है तो पूरे 5 साल आप जनता के बीच में काम करो। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चुनाव को देखते हुए ये लोग जो है टिकास पावड़ा अपने गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं कि जहाँ भी काम दिखा वहाँ रुक जाओ, 10 रुपये का नारियल मंगाते हैं, वहीं पे जो है भूमि पूजन कर देते हैं। आप कहते हैं कि अमृत योजना टैंकर मुक्त, आज भी आपको इस प्रभाग में जो है कई टैंकर देखने मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से जो है जनता बार बार मूर्ख नहीं बनेगी। आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो है ऐसे कई जो है समस्या है जिनका ये लोग निराकरण नहीं कर पाए हैं। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जैसे ही नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद स्मार्ट सिटी का प्रशासन जो है यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन लगा करके लोगों को घरों से बाहर निकाल करके उनका कब्जा लेकर वहाँ विकास करने वाली है। आज आप लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता को कि ये लोग नागपुर महानगर पालिका का चुनाव देखते हुए इन्होंने लोगों को घरों से निकालने का काम रोका है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जैसे ही ये रोड का काम करेंगे और लोगों का जो घर तोड़ेंगे तो जनता सड़कों पे आएंगी और इनको इनकी औकात दिखाएगी। इसलिए इन्होंने नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन को देखते हुए पूरे जितने भी 100 फुट के 80 फुट के रोडों के काम है वो रोक के रखा है। यानी इलेक्शन होने के बाद ये लोग जो है अपना पूरा उल्लू यहाँ पे यानी सिद्ध करने वाले और लोगों को बेघर करेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से और एक बात बोलना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी में इन्होंने कितने लोगों का पुनर्वसन किया ये बात जरूर पूछिएगा, कितने लोगों को आर्थिक कंपनसेशन दिलाया ये बात जरूर कीजिएगा। तो ये कुछ नहीं कागजों पर दिखाया जा रहा है। आज जो है नागपुर महानगर पालिका भाजपा के हाथ में होने के कारण ये लोग मनमानी कर रहे हैं। आज नागपुर महानगर पालिका में स्टेशनरी का करोड़ों रुपए का कोरोना काल में घोटाला हुआ है। जहां लोग मर रहे थे वहां ये घोटाला करने में व्यस्त थे। क्यों नहीं महापौर साहब जवाब देते? क्यों नहीं इस प्रभाग के जो है जनप्रतिनिधि नगर सेवक हाउस में आवाज़ उठाते? आज जब पिछली बार नवभारत पेपर में जब आया था तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वालों में पश्चिम नागपुर के नगर सेवकों का अव्वल नंबर आया था, और हमारे इस प्रभाग के 3 नगर सेवकों का नाम आया था कि ये पूरे 5 साल में मुश्किल से 5 भी जो है प्रश्न अपने जनता के वहाँ नहीं उठा पाए। ये हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक बात है कि जनता आपको बड़े विश्वास के साथ अपने विकास के लिए चुनकर देती है और आप हाउस में जाके केवल जो है ठंडी हवा खाने जाते हो, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भाई मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरी माँ भाजी का धंधा करती है, मैं जो है अतिक्रमण में बैठा हूँ। ये इमोशनल बातें करने का समय अभी गया माननीय नगर सेवक महोदय। आने वाले नगर सेवक चुनाव में आप जितनी घोषणाबाजी और जुमलेबाजी करते हैं ना अच्छे दिनों के, आने वाले समय में जनता आपको सबक जरूर सिखाएंगी। बार बार जनता जो है मूर्ख नहीं बनेगी। मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है लोगों को यहाँ करोड़ों रुपए के, किसानों को यहाँ करोड़ों रुपए के डिमांड नोट भी NIT स्मार्ट सिटी प्रशासन ने भेजे हैं। आज मुझे ये बताइए कि एक सामान्य किसान, सामान्य नागरिक
स्मार्ट सिटी का वो डेवलपमेंट चार्ज कैसे भरेगा? हमें नहीं चाहिए थी स्मार्ट सिटी। आज स्मार्ट सिटी बनाने के पीछे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाजू में एक 100 फुट का रोड जो है 40 एकड़ ज़मीन में से निकाला जा रहा है। तलमले के घाट के बाजू में जो 80 फुट का रोड निकाला जा रहा है, वो ज़मीनें किसकी है? वो ज़मीनें यहाँ सत्ता पे बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं की है। वो नेताओं को और वो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन ज़मीनों से 80 फुट और 100 फुट के रोड निकाल के वो ज़मीनों को, एकड़ में जो ज़मीन थी वो हज़ारों रुपये फुट में आप लोगों ने लाने का काम किया हुआ है। तो स्मार्ट सिटी में काफ़ी बड़ा घोटाला है। मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से भी एक विनंती करूंगा कि ये लोग दूसरे के ऊपर जो बड़े बड़े घोटाले के ईडी के द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी की कार्रवाई तो सही में हमारे नागपुर के स्मार्ट सिटी में ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए और सच का सच और झूठ का झूठ सामने आना चाहिए। स्मार्ट सिटी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और मेरी आप लोगों से पुनः एक बार विनंती है कि स्मार्ट सिटी की जो भी होनी चाहिए, आर्थिक घोटालों की छानबीन होनी चाहिए। जो नागपुर महानगर पालिका में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी छानबीन होनी चाहिए। और आने वाले समय में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चित फिर से हम लोग नागपुर महानगर पालिका में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इस प्रभाग नंबर 6 में जीत कर आएंगे और ये जो आज के जनप्रतिनिधि हैं इनको दिखाएंगे कि विकास कैसा होता है। आज हमारे बाजू के प्रभाग में एक नगर सेवक है अन्य पार्टी का, वो अपने क्षेत्र में विकास बरबर कर लेता है, लेकिन जब बात हमारे यहाँ तीन तीन नगर सेवकों की बात आती है तो कोई विकास नहीं होता। काफ़ी समस्या काफ़ी है। मैं आपको इतने देर में इतनी ही बातें बता सकता हूँ। यदि आप किसी दिन मुझे अपने स्टूडियो में बुलाइए, मैं निश्चित स्मार्ट सिटी और पूर्व नागपुर के अनेक विषयों पर आपसे चर्चा जरूर करूँगा। मैं मुझे आपने अपने क्षेत्र की जनता की समस्या कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग 6 के विपक्ष गुड्डू जी रहांगडाले, जिन्होंने इस प्रभाग की परिस्थिति का पिटारा हमारे सामने खोल के रख दिया। विपक्ष अपनी बात रखेगा, पक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन अब ये जनता को डिसाइड करना है कि जनता को क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है। अब ये सब कुछ जो है जनता के हाथों में है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं किसी और प्रभाग के साथ, किसी और पक्ष विपक्ष के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।